फिर भाई जहाँ से उठाया था हमने वहीं रख दिया, ये भी एक्सपायर है यहाँ पे। एक गलती के कारण मुझे बहुत ही ज्यादा पे करना पड़ गया उसके। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज का गाइस ये सीन है कि मेरे पास कुछ ऑप्शंस आए हुए हैं आकाश की तरफ से, सो जो मुझे चूज करना है और उसी ऑप्शंस के आधार पे ये डिसाइड होगा कि आप दिल्ली वाले ब्लॉग सब देखोगे या नहीं। एक्चुअली उस ऑप्शन में ये है ना कि वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहेंगे ऑनलाइन क्लासेस को छोड़ के। अगर जो आप ऑफलाइन क्लास यूज़ करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो कब करना चाहते हैं, इमिडिएटली या फिर लेट, ऐसे ऐसे कुछ मेरे पास ऑप्शंस आए हैं। सारी चीज़ें फिलअप करनी है और इसे भेजना है। सो अभी तो सुबह सुबह 8 बजे और मैं अभी नहाया तो नहीं हूँ। अभी फटाफट से मैं उठ के फ्रेश व्रेश हो गया हूँ। अभी मैं 5 से 10 मिनट के बाद मैं दुकान जाऊँगा, अपने पापा से पूछूँगा कि मुझे क्या करना है, क्योंकि भाई सारा डिसीजन तो मेरे पापा को ही लेना है कि मुझे जाना है नहीं जाना है क्या करना है। सो चलो मैं उनसे पूछता हूँ, फिर पूछ के बताऊँगा जो भी उनके तरफ से आंसर होगा कि हाँ मुझे ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करनी है ऑनलाइन। ऑफलाइन ज्वाइन करनी होगी तब तो भाई अब फिर आप फ्यूचर में दिल्ली के ब्लॉग्स देखने वाले हो और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। और हाँ गाइस, मेरी आज लगने वाली है। एक्चुअली मैंने ना एक भी नोट्स पूरे कम्प्लीट नहीं किया है, सो मुझे वो नोट्स भी सारे कम्प्लीट करने हैं। अगर पापा ने कह दिया कि बेटा तेरे को जाना है दिल्ली, सो फिर मेरे को सारे नोट्स कम्प्लीट करने पड़ेंगे। और सो ये रहा हमारा कंसेंट फॉर्म ऑफलाइन क्लासेस दिल्ली के लिए। भाई साहब यहाँ मुझसे पूछा जा रहा है कि आप क्या करना चाहेंगे। वैसे मैंने सारी चीज़ें फिल कर दी है, वैसे मैं इन तीनों चीज़ों में सोच रहा हूँ क्या दबा दूँ, ये या ये। देखता हूँ मैं क्या भरूँगा, वैसे भी तो नहीं बताऊँगा आपको। 20 मिनट्स लेटर। सो चलो चलते हैं पापा के पास, पूछते हैं पापा का क्या कहना है मुझे दिल्ली जाना है या नहीं। Later. मौसम इतना प्यारा है ना कि मुझसे रहा नहीं जा रहा है। एक्चुअली मैं चाह रहा हूँ ना, मैं आपको मौसम की पूरी टाइम लैप्स दिखाऊँ। मतलब एक्चुअली गर्मी तो है बट आसमान में बादल इतने प्यारे दिख रहे हैं ना, मतलब क्या ही बताऊँ मैं। सो आप अभी इन्जॉय करो टाइम लैप्स, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। और फिर मैं बताता हूँ हमारे पिताश्री ने क्या बोला है कि मैं दिल्ली जाऊँगा या नहीं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। गाइस मुझे ये देखो टाइम लैप्स क्रिएट करने के लिए कार्टून की जरूरत पड़ रही है, सामने का व्यू आएगा मस्त। सो गाइस सुबह सुबह हुआ यूँ था, जब मैं दुकान पे था तब एक संतोष अंकल आए थे, मतलब अंकल ही हमारे। सो सुबह सुबह एक चैलेंज लग गया और चैलेंज में हार गए और बदले में खिलानी पड़ी उन्हें बिरयानी, और अब मैं बिरयानी खाऊंगा। तो भाई साहब मैंने तो पैक करवा के ले आया बिरयानी, यार वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है ना। सो मैं इसे फटाफट प्लेट में सर्व करता हूँ फिर। सो ये निकाल दी हमने प्लेट में बिरयानी और फटाफट से मैं इन्जॉय करूँगा। 6.5 hours later। सो अभी अपन क्लास के लिए निकल रहा है, अभी बज रहा है भाई साहब 4 और बाहर बहुत ही ज़्यादा धूप है एक्चुअली, बट कोई नहीं हम फिर भी जाएंगे, क्लास जाना है। सो यहाँ पर अभी हमारी GD चल रही है, ये हो गया कमलेश जी, आप जानते हैं इनको, ये विशाल भाई, भाई पढ़ने में भाई बहुत ही प्यारे लोग हैं ये सारे के सारे। सो वी आर डिसाइडेड टू गो टू V-Mart, अभी हम लोग जाएंगे V-Mart, एक मॉल है यहीं पास में। सो हम सोच रहे थे यार चलो चलते हैं यार, बहुत गर्मी लग रहा था इंस्टीट्यूट में एक्चुअली। सो दिस इज विशाल मेगा मार्ट एंड वी हैव पार्क आवर बाइक हियर। चलो भाई वी हैव टू सबमिट आवर बैग हियर, हमारी बैग यहाँ पे जमा होती है, ये रही एंट्रेंस यहाँ से मेन गेट। सो दिस इज एंट्रेंस, हम अंदर आ चुके अभी। चलो यार यहाँ तो नीचे तो औरतों का सामान है, हम तो भाई ऊपर जाएंगे मस्त। सभी घूम रहे गाइस यहाँ देखो,
Do you want to purchase this bag or this pigeon chulha? यार यहाँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ लेने के लिए भी है। अरे यार इसमें तो कुछ हाल है कि सोफा सेट के लिए है क्या, कारपेट ये सब? हाँ ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यार एक्चुअली। ये सब सोफा सेट रूम में डाल सकते हैं नहीं? वो देखो थिएटर वगैरह है वहाँ ले सकते हो सारी चीज़ें। वैसे ये सही लग रहा है भाई, सच बता रहा हूँ इसकी क्वालिटी ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और इसके प्राइस देख रहे हो 1000 रुपये लिखे हैं, क्या चल रहा है भाई, लूटा जा रहा है मैं, बहुत लूटा जा रहा है। गाइस क्वालिटी कुछ भी नहीं है, पैसे हमसे लूटे जा रहे हैं एक्चुअली। भाई कभी मत आओ यहाँ, जीन्स लेना 99 रुपये में जीन्स। गाइस यहाँ पे जूते बहुत ज़्यादा हैं, कपड़ों से ज़्यादा तो मुझे जूते लग रहे हैं, देखो भरा भरा एकदम भाई सब। देखो पसंद है जूता, पसंद है? आई थिंक सो गाइज, यहाँ पे सारी चीज़ें यूज हैं भाई, विशाल मेगा मार्ट बहुत ही गंदा है। गाइज कभी मत आना विशाल मेगा मार्ट, कभी मत आना विशाल मेगा मार्ट, आके आप अपना टाइम ही ख़राब करोगे। मैं तो आज शायद दूसरी बार आया हूँ, पहली बार जब आया था तब तो बहुत ही अच्छा था, बट आज नहीं। ये देखो भाई डुप्लीकेट लॉटरी चौको पाई है। अरे ओरिजिनल वाला नहीं है? हाँ नहीं ओरिजिनल नहीं है, देखना पैकिंग से ही भाई ये डुप्लीकेट सामान भी नहीं नहीं ओरिजिनल है, पार्ले का। अरे पर कितना आ रहा है? बाई टू गेट वन फ्री, तो हम लेने वाले हैं इसको, हम तीन ले लेते मस्त। सो मैंने ये लिया अभी मस्त, और देखता हूँ क्या क्या चीज़ें ले सकता हूँ मैं। और ये तो भाई डुप्लीकेट सामान है, ये तीन ले लिया हमने, एक्सपायरी डेट का। हाँ ये देख लेता हूँ मैं, एक्सपायरी देख लेता हूँ मैं, रुको। सो भाई जहाँ से उठाया था हमने वहीं रख दिया, ये भी एक्सपायर है यहाँ पे। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आके गलती कर दी है, यहाँ पे सारी चीज़ें कुछ एक्सपायर्स हैं कुछ डुप्लीकेट्स, आई डोंट नो इन्होंने क्या रख रखा भाई साहब। वो एक्सपायर था, मैं खुशी के मारे वो बिस्किट ले रहा था, बट वो एक्चुअली एक्सपायर था। अरे यार सो अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया एक्चुअली। मैं अभी मॉल से बाहर निकल गया हूँ, लिटरली मुझे कुछ दोनों ले लेना बैग ठीक है, कुछ भी पसंद नहीं आया और चीज़ें भी महंगी थी एक्सपायर थी। कभी मत आना, कभी मत आना यहाँ। 20 minutes later तो हमारे घर एक बार फिर से दोबारा तोता है, अपना तोता है, मामा ने ला के दिया हमें, बहुत ही प्यारा लग रहा है, इसे मैं दिन में दिखाऊंगा, दिन में बहुत अच्छा दिख रहा है। मेरी एक गलती के कारण मुझे बहुत ही ज़्यादा पे करना पड़ गया उसके लिए, एक्चुअली करना पड़ेगा अभी, मैंने गलती की। सो देखो मैंने क्या गलती की आगे। सो गाइस आज दिन में मैं चावल का भूंजा खा रहा था और मैंने यही बेड पे छोड़ दिया, अब देखो भाई चींटियां लग गई है मेरे बेड पे। अब मैं भाई रात में कैसे सोऊंगा मुझे तो नहीं पता, अब इनको भाई हटाना पड़ेगा, बस मेरी एक गलती के कारण देखो कहां कहां से चींटियां आ रही है एक्चुअली। सो गाइस अभी बज गए हैं रात के 10 और मैं अभी बाहर से आया हूँ जस्ट, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा काम था एक्चुअली, एंड सो इस वजह से थोड़ा आज मैं लेट हूँ। और मैं अभी फटाफट से डिनर करूँगा, डिनर करने के बाद मैं एडिटिंग करूँगा। और आज शाम में पढ़ाई तो मैंने की बट थोड़ा ही कर पाया क्योंकि आज मैं बिजी था, बट कोई नहीं है सारी चीज़ें तो चलती रहेगी, किसी दिन हो जाता है उसके लिए डोंट नो, आई एम नॉट टू वरी अबाउट डैट। चलो जो भी है बढ़िया है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग गाइज, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो, सो मेक श्योर कि आप लाइक करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। मिलता हूँ आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। अरे हाँ एक चीज़ तो रह गई, इन चींटियों को भगाना, इसे भगाता हूँ मैं।